नमस्कार, बीआर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने स्वर्णिम जो भारत है प्रारंभ से लगाकर 1206 तक पढ़ा था। आज हम उससे आगे 1206 से 1527 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। 1206 से 1527 तक संघर्षकालीन जो भारत है आज हम पढ़ेंगे। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि 1000 ईस्वी के आसपास मोहम्मद गजनी ने हमारे देश पर आक्रमण किया। उसके बाद में गोर प्रदेश का जो शासक है मोहम्मद जो गोरी, उन्होंने भारत पर आक्रमण किए। उस समय दिल्ली का जो शासक है पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य कई युद्ध हुए। उनमें मुख्य जो युद्ध है दो हैं। प्रथम जो युद्ध है वो तराइन का प्रथम युद्ध है का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ। फिर दूसरा तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1192 में हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गोरी की हार। तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को छल से इस युद्ध के अंदर हराया और इसी के साथ में दिल्ली पर गोरी का अधिकार हो गया। हालांकि गोरी वापस अपने गोर प्रदेश चला गया, लेकिन जो दिल्ली का इलाका था वो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको सौंप के चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 से 1206 तक भारत में गोरी के नाम से शासन किया, लेकिन 1206 में एक नए वंश की स्थापना की जिसको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। देखिए, ध्यान दें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 के अंदर एक नए वंश की स्थापना की जिसको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो गुलाम वंश की स्थापना यदि पूछे किसने की तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 के अंदर एक नए वंश की स्थापना की जिसको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां कुतुब मीनार जो है उसकी प्रथम जो मंजिल है उसका निर्माण करवाया, लेकिन 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक बना। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में गुलाम वंश का जो शासक है वो था इल्तुतमिश, जो 1210 में बड़ा। इल्तुतमिश को ही इस वंश का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। इन्होंने प्रशासन में कई सुधार किए। इन्होंने 40 देखिए ध्यान दें 40 जो गुलाम है उनका एक संगठन बनाया और उन्हीं के माध्यम से यह शासन करता था। लेकिन 1236 में इल्तुतमिश की भी मृत्यु हो गई। 1236 के अंदर इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसके बाद में रुकुद्दीन नामक जो इसका जो पुत्र था वो एक कमजोर शासक था, तो सरदारों ने उनको मौत के घाट उतार दिए। लेकिन 1236 में उनकी जो पुत्री है रजिया सुल्तान बनी। देखिए, इल्तुतमिश के बाद में रजिया जो है सुल्तान बनी। रजिया ने पहली बार
एक महिला के तौर पे शासिका के रूप में वो उभर कर सामने आई। रजिया ने दरबार में बकायदा पुरुषों वाली जो पोशाक है वो पहनी। ये भी कहा जाता है कि रजिया जो सुल्तान है एक अबिसिनिया का जो युग है याकूत, देखिए उसका नाम है याकूत, ध्यान देवे। रजिया को याकूत से प्रेम हो गया और इनको असुसाला का प्रधान बनाया। रजिया ने याकूत नामक जो व्यक्ति है या अबिसिनिया का था इसको असुसाला का प्रधान बनाया, जिसकी वजह से काफी जो अमीर है वो नाराज हो गए और अमीरों ने याकूत की हत्या कर दी। और ये अमीर रजिया को भी मौत के घाट उतारना चाहते थे। इसके चलते रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। देखिए रजिया जो सुल्तान है उन्होंने अल्तुनिया अल्तुनिया से शादी कर ली। रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली, लेकिन 40 के अंदर इन सरदारों ने उनको भी मौत के घाट उतार दिए। 1240 के अंदर इन्होंने रजिया को भी मौत के घाट उतार दिए और अल्तुतमिश को भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिए। उसके बाद में गुलाम वंश के अंदर कई शासक बने, जिसमें बहराम शाह है, मोहम्मद शाह है, और 1265 तक कह सकते हैं कि कमजोर शासक रहे, जिसमें 1265 के अंदर नसीरुद्दीन शाह तक नसीरुद्दीन जो शाह है वो शासक रहा, लेकिन इसके पीछे वास्तविक जो हाथ है वो बलवंत का था। तो 65 के अंदर गुलाम वंश का जो शासक है नसीरुद्दीन शाह के बाद में बलवंत बना। बलवंत, देखिए बलवंत इस वंश का एक बहुत ही बड़ा शासक था। इन्होंने दरबार के अंदर अमीरों की गुटबाजी है उसको रोकने के लिए कई प्रकार के जो कठोर नियम है इन्होंने लगाए। देखिए इन्होंने सबसे पहले दरबार में दो नई प्रथा है उसकी शुरुआत की। एक का नाम था पाबोस और दूसरी का नाम है सिजदा, यानी सम्राट के पैर को छूना और चूमना, दो जो प्रथा है उन्होंने शुरू की। एक का नाम है सिजदा, एक का नाम है सिजदा और दूसरी का नाम है पाबोस, यानी दरबार में सम्राट के सामने यानी सुल्तान के सामने झुककर उनके पांव को चूमना। ये दो प्रथा थी, एक का नाम है सिजदा और दूसरी का नाम है पाबोस। और बलवन ने राजत्व का सिद्धांत दिया। राजत्व का सिद्धांत, ये बलवन का राजत्व का सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है। बलवन ने एक और नीति अपनाई जिसको लौह एवं रक्त की नीति के नाम से भी जाना जाता है। लौह एवं रक्त, ये कई बार सवाल आता है कि कौन से शासक ने लौह एवं रक्त की नीति जो है अपनाई, तो उसका उत्तर है बलवन। और बलवन की मृत्यु के बाद में इनका कमजोर जो बेटा है वो शासक बना, जिसका नाम है क्यूमर्स। देखिए बलवन की मृत्यु के बाद में उनका एक कमजोर जो बेटा था वो शासक बना और ये 90 तक शासक रहा। 1290 तक ये शासक रहा। देखिए एक बार फिर देखें, 1206 के अंदर गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। 10 के अंदर पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसके बाद में उनका दामाद
उसका गुलाम। इल्तुतमिश 1210 के अंदर शासक बना, 36 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद में इनकी पुत्री रजिया है वो सुल्तान बनी। रजिया को याकूत से प्रेम हो गया जिसके चलते उनको असुसाला का प्रधान बनाया, जिसकी वजह से जो दरबार के अंदर अमीर थे वो नाराज हो गए और याकूत को उन्होंने मौत के घाट उतार दिए। इसके डर से रजिया ने अल्तुनिया नामक जो व्यक्ति है उनसे शासक उनसे शादी कर ली, लेकिन अमीरों ने 40 के अंदर उनको भी मौत के घाट उतार दिए। 40 से लगाकर 65 तक कमजोर शासक बने। 65 के अंदर नसरुद्दीन जो शासक था एक कमजोर शासक था, इनके पीछे बलवन का हाथ था। आखिरकार बलवन ने उनको सत्ता से हटाते हुए सत्ता प्राप्त कर ली। बलवन इल्तुतमिश के जो 40 गुलामों का जो दल था उन्हीं का एक ये सदस्य था जो 1265 के अंदर शासक बना। इन्होंने दरबार को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार की जो प्रथाएं चलाई, उसमें प्रमुख जो है एक का नाम है सिजदा, दूसरी का नाम है पाबोस। इन्होंने राजत्व का सिद्धांत दिया और लोह एवं रक्त की नीति इन्होंने अपनाई। बलवन की मृत्यु के बाद में उनका जो पुत्र है कयूमर्स वो शासक बना। 1290 तक इन्होंने शासन किया, लेकिन इसी का जो सेनापति था उन्होंने इनको मौत के घाट उतार दिए और इसके साथ में ये गुलाम वंश है उसका अंत हो गया। और अब आगे हम नया वंश पढ़ने जा रहे हैं, खिलजी वंश। देखिए खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी है इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की 1290 में। तो 1290 के अंदर जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी हैं इन्होंने एक नए वंश की स्थापना की जिसको खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। 1290 से लगाकर 1296 तक इन्होंने शासन किया, 6 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने हालांकि रणथंभौर को जीतने का प्रयास भी किया लेकिन उसका जो अभियान है वो असफल रहा। लेकिन 1296 में जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी है इनका भतीजा जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, देखिए अलाउद्दीन जो खिलजी है उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारकर सत्ता हत्या ली और समय खिलजी वंश का शासक बन गया। अलाउद्दीन एक बड़ा महत्वाकांक्षी जो शासक था। इन्होंने 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। देखिए 1301 और 1303 में इन्होंने दो महत्वपूर्ण जो आक्रमण किए चित्तौड़ और रणथंभौर। इन्होंने चित्तौड़ को अपने कब्जे में कर लिया, रणथंभौर को अपने कब्जे में कर लिया। 1220 तक यह वंश चला। 1220 के अंदर इस वंश का अंत हो गया। इस वंश का अंतिम जो शासक है जिसका नाम है खुसरू शाह, खुसरू शाह, खुसरू शाह ने अपनी मर्जी से पद नहीं त्यागा। इसके चलते उनका जो सेनापति था
यासुद्दीन तुगलक, उन्होंने उनको मौत के घाट उतार दिए और इसी के साथ में इस वंश का अंत हो गए। 1320 तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। फिरोज खिलजी ने 12 चिन्हों तक शासन किया। चिन्हों के अंदर उन्हीं का जो भतीजा था जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इन्होंने 1301 और 1303 के अंदर रणथंभौर और चित्तौर पर आक्रमण किए और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो था खुसरू शाह। 1320 के अंदर खुसरू शाह की हत्या गाजी ग्यासुद्दीन जो तुगलक है उन्होंने की और इसी के साथ में इस वंश का अंत हो गया और एक नए वंश की शुरुआत हुई जिसको तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। देखिए, खुसरू शाह की हत्या करने के बाद में दिल्ली के अंदर एक नए वंश की जो शुरुआत हुई जिसको तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है और तुगलक वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है जिसका नाम है ग्यासुद्दीन तुगलक। तो देखिए, तुगलक वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। गाजी ग्यासुद्दीन जो तुगलक है, तुगलक वंश का संस्थापक था। इन्होंने 1320 से 1325 तक शासन किया। 1325 के अंदर इनकी एक हादसे के अंदर मौत हो गई और उसके बाद में उनका जो पुत्र है 1325 के अंदर शासक बना जिसका नाम था जोना खां। क्या नाम था? जोना खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक जोना खां, जिसको इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, ये इतिहास के अंदर एक ऐसा बादशाह था जिन्होंने अपने शासनकाल के अंदर 5 योजनाएं बनाई लेकिन पांचों की पांचों जो योजना है वो असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजना बनाई लेकिन पांचों के पांचों योजना असफल रही। देखिए, उन्होंने कौन कौन सी 5 योजना बनाई। पहली जो योजना है उनकी वो थी दोआब में कर वृद्धि। देखिए, उन्होंने पहली योजना बनाई थी दोआब में कर वृद्धि, लेकिन उसी दौरान दोआब के अंदर अकाल पड़ने की वजह से जनता नाराज हो गई। दूसरा, उनकी जो योजना थी वो थी दिल्ली से उन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया दौलताबाद। देखिए, राजधानी को दिल्ली से कहां ले गया? दौलताबाद। लेकिन ये भी योजना जो थी वो असफल रही। तीसरी जो उनकी योजना थी वो थी सांकेतिक मुद्रा का इस्तेमाल। देखिए, उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई यानी सोने और चांदी की मुद्रा के स्थान पर उन्होंने तांबे के सिक्के चलाए जिसका जनता ने बहुत दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से उनकी ये योजना है वो भी असफल हो गई। चौथी उनकी योजना थी कराची अभियान। कराची अभियान, इस अभियान के अंदर भी उनको काफी जो है नुकसान हुआ, ये योजना भी उनकी असफल हो गई। और पांचवी उनकी योजना थी सियाचिन।
तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजना बनाई, लेकिन पांचों के पांचों योजना जो है वो असफल हो गई। एक महान शासक था, लेकिन उन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। और उसके बाद में उनका जो भाई है वो शासक बना, जिसका नाम है फिरोज तुगलक। क्या नाम है? फिरोज तुगलक। 1351 में शासक बना, 1351 में फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में उनका जो भाई है वो शासक बना, जिसका नाम है फिरोज तुगलक। क्या नाम है? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने भी प्रशासन के अंदर कई प्रकार के सुधार किए। उन्होंने अपने इलाकों के अंदर नहरों का निर्माण करवाया, प्रशासन को इन्होंने सुधारा। लेकिन इस वंश का जो अंतिम शासक है वो था नासिरुद्दीन मोहम्मद, अंतिम जो शासक है उसका नाम है नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन मोहम्मद, देखिए तुगलक वंश का अंतिम जो शासक था जिसका नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद। कहा जाता है कि नासिरुद्दीन जो मोहम्मद है, इन्होंने अपनी इच्छा से ही जो है वो सियासन त्याग दिया था। इसी का फायदा, सॉरी, नासिरुद्दीन जो मोहम्मद है वो अंतिम शासक था, उसके ये कमजोर शासक था। ये कमजोर शासक होने की वजह से 1398 में एक आक्रांत था जिसका नाम है तैमूर लंग। तैमूर ने दिल्ली पे आक्रमण किया और दिल्ली को उन्होंने तेश नेश किया। नासिरुद्दीन ने बिना प्रतिरोध किए, बिना मुकाबला किए दिल्ली का जो सियासन है वो तैमूर को सौंप दिया। तैमूर ने खूब दिल्ली को लूटा। जब तैमूर वापस अपने प्रदेश गया तो दिल्ली का जो इलाका है खिजर खान नामक जो व्यक्ति है उसको सौंप के चला गया। तो 1398 के अंदर तैमूर ने अंतिम जो शासक है नासिरुद्दीन जो शाह है उसको हराते हुए दिल्ली पे कब्जा कर लिया। और तैमूर ने दिल्ली की जो सत्ता है अपना एक जो सेनापति जिसका नाम है खिजर खां को उन्होंने सौंपा। तो इसी के साथ में एक नए वंश की शुरुआत हुई जिसको सैयद वंश कहा जाता है। सैयद वंश, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि 1398 के अंदर तैमूर ने यहां आक्रमण किया था, लेकिन 1398 से लगाकर 1414 तक उन्होंने तैमूर लंग के नाम से ही दिल्ली पे शासन किया। लेकिन 14 में खिजर खान ने एक नए वंश की स्थापना की जिसको सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। 14 से लगाकर 21 तक इन्होंने शासन किया। हालांकि इन्होंने किसी प्रकार की कोई उपाधि धारण नहीं की और न ही अपने नाम के कोई सिक्के चलाए। लेकिन खिजर खान की मृत्यु के बाद में इनका जो बेटा है मुबारक शाह शासक बना। तो खिजर खान की मृत्यु के बाद में इसका बेटा मुबारक शाह शासक बना। तो यहां देखिए खिजर खान, हालांकि हमने नहीं लिखा, खिजर खान इस वंश का संस्थापक था। खिजर खान के बाद में उसका जो बेटा है मुबारक शाह जो शासक बना, 21 से लगाकर 34 तक इन्होंने शासन किया। 1421 से 1400 इन्होंने 34 तक शासन किया। इन्होंने सर्व शाह की उपाधि धारण की। इन्होंने अपने नाम के सिक्के भी चलाए। और इस वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम था आलम शाह।
देखिए शहीद वंश का अंतिम जो शासक है उसका नाम है आलम शाह। हालांकि मुख्य जो शासक है जिन्होंने शहीद वंश की स्थापना की उसका नाम है खिजर खां, जिन्होंने 1421 के अंदर इस वंश की स्थापना की। उसके बाद में उनका जो बेटा है वो शासक बना मुबारक शाह, और मुबारक शाह के बाद में उसका जो उत्तराधिकारी है वो था आलम शाह। आलम शाह एक कमजोर शासक था, इन्होंने अपने इच्छा से पद को त्याग दिया, और इसी का फायदा बहलोल लोदी ने उठाया और दिल्ली के अंदर एक नए वंश की स्थापना की जिसको लोदी वंश के नाम से जाना जाता है। लोदी वंश। देखिए आलम शाह ने अपनी इच्छा से पद त्याग दिया, इसी का फायदा बहलोल लोदी ने उठाया कई बार आता है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की, तो उसका नाम है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की। इन्होंने 1451 से 1499 तक शासन किया। बहलोल लोदी एक महान शासक था। उसके बाद में इस वंश का जो शासक है वो बना था निजाम शाह। निजाम शाह, देखिए निजाम शाह ने सिकंदर शाही की उपाधि धारण की। निजाम शाह ने सिकंदर शाही या सिकंदर शाही की उपाधि धारण की, और उसके बाद में दिल्ली का जो शासक है वो बना इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इनका संघर्ष महाराणा सांगा के साथ में हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1526 के अंदर मुगल वंश का संस्थापक जिसका नाम है बाबर, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तो ध्यान दें 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर अफगानों की हार हुई, और इसी के साथ में दिल्ली जो सल्तनत है उसका अंत हो गया, और दिल्ली के अंदर एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसको मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। अगले हम वीडियो के अंदर मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।